अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। एंड हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सीज़न टू शुरू हो गया है, सो वी हैव रिकरिंग गेस्ट मिस्टर जिब्रान नासिर इज़ बैक हियर विद अस टुडे। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक ठाक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। सर, मुल्क और दुनिया काफ़ी अनासर से गम और गुस्से का शिकार है। आई मीन द वर्ल्ड इज़ गोइंग क्रेजी, ट्रम्प इज़ बीइंग इम्पीच्ड, इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान में मुशर्रफ का जजमेंट आ गया है। सो द ऑब्वियस प्लेस टू स्टार्ट इज़ मंगनी का क्या सीन है सर? रूमर्स हैं या सच नहीं है? सर देखिए, जब इतनी तोड़फोड़ हो रही हो तो कुछ मुरम्मत का और तामीर का भी काम होना चाहिए, तो ये तामीराती काम है और ज़िंदगी में ये जा रही। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। ये कैसे डिसीजन आया? ये बहुत ही कुदरती फैसला होता है। कुदरती फैसला था। आप जब उस उम्र के इस पहराए, ये तो आपने हमजा लिया बासी टाइप बात की है कि जब आप उम्र के इस पहराए में आएंगे और एक दो साल है, इतना ही फर्क है आपकी मेरी उम्र में, तो ये कुदरती फैसला। ये मुझे टारगेटेड क्यों लग रहा है जुबान के ये मेरी तरफ इशारे थे इस पे? तो नहीं यार, अच्छा फैसला है और हम तो बड़ा खुश हैं अपने इस फैसले से। अपने लिए कर रहे हैं, अल्लाह के लिए? नहीं सर, यह हम अपने लिए ही करते हैं और ये कि अपने में इतना ना खो जाएंगे किसी दूसरे का नुकसान कर दें। तो ये शादी वगैरह तो अपने लिए की जाती है, अपनी खुशी के लिए की जाती है, ऐसे इंसान से की जाती है जो आपको खुश रखे। प्लेटोनिक फ्रेंडशिप थी आपकी पहले? नहीं यार, देखिए कि वो हम खामखा उसको को ना कंपेयर करें, जिसका जो भी था वो था उनका, और उनको भी हम रिस्पेक्ट और इज्जत से देखते हैं। बट मैंने ऐसी ना कभी कोई जस्टिफिकेशन अपने ज़ात के बारे में या अपने काम के बारे में दी, और प्राइवेट ज़िंदगी में वैसे तबसरा कम करता हूँ। बट ये जो है एक पब्लिक इवेंट होता है, जब आप किसी से शादी करते हैं या कुछ करते हैं, तो समबडी हु मेक्स मी हैप्पी, समबडी हु हेल्प्स मी ग्रो, एंड समबडी हु हैज़ बीन एन इमोशनल कॉर्नरस्टोन, आई थिंक ऐसे इंसान को आप चाहेंगे कि वो आपका जीवन साथी बने, एंड आई एम ट्राइंग टू डू द सेम फॉर हर। दैट्स अमेजिंग, बिकॉज आई मीन स्पेशली इन द लाइन ऑफ वर्क दैट यू आर टू फाइंड समबडी हु अंडरस्टैंड्स सपोर्ट्स क्रेडिट्स टू हर। सो easy decision, no like struggle, मतलब because I would assume ke main, despite being a comedian, to find somebody is unbelievably hard, so for you it's probably even more difficult. Need the way I get credits to her, I mean I find myself becoming a better person around her, so if somebody can have that positive effect on my life and my life, so that is definitely kehte hain a relationship worth celebrating. Was there a time where you were like, yeah, she's the one? Like how, just in general, from a personal angle, how does one decide? अब मैं ये advice मांग रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के लिए। मेरे ऐसे देखें, वो जो होता है ना, पहली नज़र में देख के एहसास हुआ, वो तो ज़िंदगी में 36,000 बार, चूँकि अच्छी खासी उम्र हो गई ना, और हर एक से ही जब पहला क्रश होता है तो बड़े कैसे शादी करेंगे वो फीलिंग आती है। बट आई थिंक दिस इज स्पेशली इन द लाइन ऑफ वर्क शी इज़ एंड द लाइन ऑफ वर्क आई एम, और टू डिफरेंट वर्ल्ड्स उनसे क्लैश करते, ये एक जनरल प्रोग्रेशन के अंदर ही, बिकॉज जब कभी मेरे पे टफ़ या ट्रायल टाइम आया है, और व्हेन आई एम लूजिंग माय हेड, और एट टाइम व्हेन शी इज़ इन डिस्ट्रेस, दूसरे बंदे का क्या किरदार रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको ऐसा ऐसा जो आप रिकॉल करते हो आफ्टर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, कि यार ये कोई फिकल रिलेशनशिप नहीं है, इसमें एक स्टेबिलिटी भी है, इसमें मैच्योरिटी भी है, और इसमें दूसरे के लिए केयर है। एक तो है ना कि मैं क्या चाहता हूँ इस रिलेशनशिप से, एक है कि मैं इसमें होकर आपके लिए क्या करना चाहता हूँ। So it's and that I think solidifies and also gives you a proper direction. Was there a time where you were like, nahi, from your perspective, were you thinking ke why put her life in danger or why put her in a position, or were you like, yaar ye situation hai, yaar, straight wo, up achhi khasi jo hai na wo समझदार भी हैं और डाडी भी हैं और अपने फैसले वो कर लेती हैं, हम कौन होते हैं उनकी जान खतरे में डालने वाले, वो छोटी बच्ची थोड़ी हैं, वो उन्होंने खुद अपनी जान खतरे में डाली है खुद आपने मसला मोड़ लिया है। तो मैच्योर है अपने फैसले करने के अंदर, हम कौन को अंडरमाइन कर। आई सॉ द करंट वीडियो व्हिच वाज रियली नाइसली डन। तो आपकी वालदा कितनी खुश है कि फाइनली आप ये कर रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी वालदा कहते हैं बड़ी खुश हैं, और उनकी भी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं दोनों वालदा हैं, सारी रजामंदी है सबकी, बाकी नहीं हो रही शादी। नहीं नहीं, तो ऑल गुड यार, होप this is great for you and things work out. So rumors bilkul sach hain. Thank you, aapne bulaya nahi, koi tension. Main isliye to aaya hu yahan pe, main isliye to yahan pe aaya hu. Hamare ko kehte hain guestless ko jo call hoti hai usse zyada social media first nikla,
हाँ तो ये बता देना लोगों को कि आप बुलाना चाह रहे थे बट किसी ने पहले लीक कर दिया। वो लीक हो गया और उस चक्कर के अंदर शर्मिंदगी होगी कि आप जिनको बुला रहे हैं वो कह रहे हैं हाँ आप तो ऐसे ही बुला रहे हो गए, अब तो हम तुम्हें खुद मुबारकबाद का मेरी भी कर मेरी भी यही फीलिंग्स है, बिल्कुल फीलिंग्स है। तो डिड यू लाइक पॉप द क्वेश्चन, डिड यू लाइक गो डाउन ऑन वन नी एंड डू ऑल दैट रोमांटिक स्टफ? यार क्या कहते हैं, नहीं ऐसा वो उस पर नहीं था, नॉट दैट ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक वो मोमेंट्स डेवलप होते हैं इस तरह के, यू कॉन्ट रियली मैन्युफैक्चर दीज सो मच, एंड आई थिंक डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, एंड व्हाई वुड यू थिंक दैट एवरी गर्ल हैज़ दैट फैंटेसी? आई डिडंट से दैट, ये तो बहुत ट्विटर वाली बात की है कि why would you assume कि उसको भी चाहिए कि एक टांग को लड़का चाहे और वो प्रिंसेस सिंड्रेला की तरह और कोई आगे का, हो सकता है उसे कुछ डिफरेंट तरीके से पसंद हो भाई, हो सकता है वो छत से कुछ चिल्ला रहा हो। Had you turned around and said no, she popped the question, I was like that's also fine, तो ये ट्विटर कर दिया मेरे साथ का, कहते going down on the knee वाला thing and all that. I will do it, I think it's cute, I will do it when the time comes.